रफ्तार और ओवरलोडिंग पर सिंगरौली यातायात पुलिस की कार्यवाही सख्त हो रही है। यहां जयंत अमरोली रोड पर पुलिस की चेकिंग में वाहन चालकों को नहीं बख्शा जा रहा है। सिंगरौली जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एसपी अभिजीत रंजन द्वारा तेज रफ्तार और ओवरलोडेड बड़े वाहनों पर यातायात विभाग और जिला पुलिस को सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं, जिसके परिपालन में सुबह से दोपहर तक यातायात प्रभारी सूबेदार अजय प्रताप सिंह व यातायात पुलिस टीम ने जयंत चौराहे पर भारी वाहनों की सख्ती से चेकिंग की। वहीं घंटों चली इस चेकिंग में मोरबा, सिंगरौली, निगाही और दुचीचुआ तरफ से आने और जाने वाले वाहनों, ट्रॉले, बसों और हाईवा जैसे बड़े वाहनों की जांच की गई। जांच में 22 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए यातायात विभाग द्वारा उनसे समन शुल्क वसूला गया। इसके अलावा एक बस व एक अन्य वाहन में स्पीड गवर्नर अथवा गति नियंत्रक यंत्र नहीं पाए जाने पर वाहनों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस टीम जयंत के बाद में यातायात पुलिस द्वारा निगाही मोड़ पर चेकिंग करते हुए दो रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिलें जिनमें साइलेंसर नियमानुसार नहीं मिलने पर कार्यवाही की गई। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।